टू माई चैनल। तो आज भाई आपको ले आया हूँ एक फिश पॉन्ड पर, ट्राउट फिश। उस पॉन्ड पर मैं आया हूँ, कुछ मछली लेना है आज भाई। मछली खाने का मन कर रहा है, तो चलो दिखाता हूँ कैसा ये पॉन्ड है। सरकारी पॉन्ड है, सरकारी फिश, ट्राउट फिश पाली जाती है इसके अंदर। दिखाता हूँ आपको मैं। तो इस वक्त मैं पॉन्ड पे पहुँच चुका हूँ भाई, आप देख सकते हो ये छोटी छोटी मछली जो कि ट्राउट मछली है, इस पॉन्ड में रखा गया है, इस तालाब में रखा गया है। छोटों को अलग रखा गया है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ बड़े कहाँ रखे हुए हैं। पहले आप छोटों का नज़ारा ले लो, कितने ही प्यारे लग रहे हैं। देखो आप, बहुत ज़्यादा प्यारा है। देखो अब इस तरफ देख लो, ये हैवी, कितने बड़े बड़े हैं। देखो आप, काफ़ी बड़े हैं। रेम्बो ट्राउट है ये रेम्बो ट्राउट एक इधर से आ रहा है, और इस तरफ भी आप देख सकते हो। देखो अभी आपको मैं झलक दिखाऊंगा, जब इसको दाना दिया जाता है तो कैसे टूट पड़ते हैं, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मैं आपको साइज़ के हिसाब से ग्रुप में बांटा गया है और अलग अलग पाउंड में रखा गया है। ये ज़्यादा बड़े नहीं है, लेकिन इनको अलग रखा गया है, और बड़ों को बड़ों के साथ, छोटों को छोटों के साथ, और मीडियम को मीडियम के साथ रखा गया है। काफ़ी दौड़ भाग रहे हैं ये लोग। आपको बता दूं कि ये फिश पॉन्ड जो है, इसका पानी स्टीम यानी चश्मे से आता है, चश्मे का पानी है, जो ज़मीन के अंदर से पानी निकलता है उसका पानी है, जो हमेशा बारह मास ये पानी रनिंग में रहता है। तो जिसकी वजह से इनको पानी की भी कमी नहीं होती है, और ये खासकर लद्दाख में खासकर ये पानी कभी जो है फ्रीज नहीं होता है, इस पर बर्फ़ कभी नहीं जमता है, क्योंकि ये चश्मे का पानी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, आपको मैं दिखाता हूँ, आप रुकना है। देख लो पानी कहाँ से आ रहा है इसका, वो अंदर से होते हुए आ रहा है, नाली बनी हुई है, चश्मे का पानी है, और सीधे यहाँ पे आते हुए आगे आपको दिखाता हूँ, आगे यहाँ से होते हुए फिर यहाँ से आगे जाकर ये सारे तालाब बने हुए हैं मछलियों के लिए अलग अलग। क्या आप देख रहे हो दूर तक अलग अलग ये पॉन्ड में अलग अलग ये जगहों पे इनको रखा गया है, बड़ों को बड़ों के साथ, छोटों को छोटों के साथ, मीडियम को मीडियम के साथ, और फिर ये पानी इस नाली से होता हुआ इस पॉन्ड के अंदर गिरता है। और आप देख सकते हो मछलियाँ यहाँ पे तैर रही हैं। तो गाइस अभी फिश पॉन्ड से निकलकर घर की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पे जो देख रेख कर रहे थे, जो देखभाल कर रहे थे उन मछलियों का, ट्राउट फिश का, उनसे मैंने चाहा कि उनका थोड़ा इंटरव्यू ले लें और इसके बारे में थोड़ा जानकारी मैं ले लूँ, लेकिन उन्होंने कैमरे पे थोड़ा सा जो है उनको हेजिटेशन होगा, हिचकिचाहट होगी, वो नहीं बोल पाएंगे कहा, तो मैंने उनसे फिर भी पूछ लिया। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये फिश पॉन्ड लद्दाख में सबसे पहले यही नुब्रा में सक्सेस रहा, और यहाँ पर फिर उन्होंने इसी मछलियों को, इसी ट्राउट फिश को लाकर उन्होंने फिर ब्रीडिंग भी कराया, और बच्चे भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया है कि बच्चे भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। पिछले साल उन्होंने ये सारा कुछ कराया था, तो दिखाने का मकसद ये था भाई कि कभी भी आओ और मछली खाने का मूड करे ना, तो आप कहीं नहीं जाना, डिस्किक में जाना है, उधर से एक बड़े रास्ता है, उधर से आप निकल जाओ, वहाँ फिशरीज पॉन्ड में आप पहुँच जाओगे। फिशरीज डिपार्टमेंट कहाँ है पूछो, वहाँ से आप जाकर, इस वक्त अभी एक किलो का 400 रुपये है, ट्राउट फिश का 400 रुपये लेते हैं, तो आप कभी भी जाकर ले सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, अपनी फैमिली को खिला सकते हो। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो
भाई लाइक करो, शेयर करो वीडियो को, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो यार कर लो सब्सक्राइब यार, भाई को सपोर्ट करो, कुछ नहीं यार पैसा वैसा नहीं लगता।